बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ इस वक्त दिल्ली और अलीगढ़ के हिंसक प्रोटेस्ट को देखते हुए छावनी में तब्दील है, लेकिन इस बीच तीन बदमाशों ने इत्मीनान के साथ नौचंदी थाना क्षेत्र के नई सड़क पर दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स के शोरूम में लूट की घटना को अंजाम दे डाला। बड़े ही आसानी से बदमाश नकदी, ज्वेलरी और सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल मामला नौचंदी क्षेत्र के सबसे पॉश इलाके सेंट्रल मार्केट के नजदीक नई सड़क का है, जहां रतिराम अनिल कुमार ज्वेलर्स के नाम से एक शानदार शोरूम है। ये शोरूम मनीष नाम के व्यापारी का है, लेकिन यहां आज तीन नवयुवक पहुंचे और बड़ी ही आसानी से शोरूम के अंदर दाखिल होकर मालिक सहित दो कर्मचारियों को गन पॉइंट पर ले लिया और नकदी, ज्वेलरी व कैमरे के डीवीआर लेकर रफू चक्कर हो गए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पहले शोरूम के बराबर में चाउमीन की शॉप पर आसानी के साथ चाउमीन खाई और तसल्ली पूर्वक शोरूम के अंदर दाखिल हुए, जिसके बाद पूरी लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। आपको बता दें कि दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए मेरठ में भी पुलिस अधिकारियों ने पूरे मेरठ को छावनी में तब्दील कर रखा है। कई सेक्टर और जोन में शहर को बांटा गया है। जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एडीजी जोन मेरठ से लेकर सीओ तक सड़कों पर उतरकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बदमाशों ने पुलिस को कड़ी चुनौती देते हुए लूट की घटना को अंजाम दे डाला। हालांकि सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी ने मामले के खुलासे की बात कही, लेकिन पुलिस की कार्य प्रणाली पर यह सवाल इसलिए उठ रहा है, जब इतनी चौकसी में दिन दहाड़े लूट हो सकती है तो यहां कुछ नहीं हो सकता। गौरतलब है, लाल कुर्ती इलाके में एक फाइनेंसर के घर पर बदमाशों ने करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा भी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। अब दूसरी चुनौती पुलिस को नौचंदी इलाके में मिली है। देखना होगा पुलिस इन घटनाओं का खुलासा कर अपना इकबाल कब तक बुलंद करती है। अक्षय जिंदल है। 3 लोग आए थे, पहले 2 जने आए, फिर 1 और आया और गन पॉइंट पे सारा सामान ले गए। कितने का माल गया है क्या? 3 भाई, पहले 2 जने आए थे बाइक पे, फिर 1 और आया था, फिर उस बैग में भर के सारा सामान ले गए। वो क्या, वो लोग पहले भी कभी दुकान डीवीआर भी ले गए? पहले कभी दुकान पे भी आए हैं वो लोग? दुकान पे 6-7 महीने पहले 2 जने आए थे बस। कितने का नुकसान है वो सर अभी देख के बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। डीवीआर भी ले गए कैमरा? आइए अब साथ ही ये भी जान लेते हैं कि एसपी सिटी मेरठ डॉक्टर अखिलेश नारायण का क्या कहना है। नौचंदी थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर शॉप पर 3 बदमाश अंदर आए, जिनके द्वारा दुकान के मालिक और उनके 2 सहयोगी जो वहाँ काम करते हैं, उनको गन पॉइंट पर लेकर वहाँ पर लूटपाट किए हैं। लूटपाट करने के बाद वो फरार हो गए हैं, जिनके बारे में सीसीटीवी फुटेज से महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें मिली हैं और इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। सर, टोटल कितने का अनुमान है? अभी अपना करके जैसा बताएंगे फिर आपको अवगत कराया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।